अच्छा अच्छा कमेंट चाहिए। अभी बताऊंगा भाई साहब ऐसा क्या लग रहा है, दुबई घुमा रहा क्या? दुबई तो कौन घुमा रही के मन के? इतने सारे बर्तन है ये आप साफ कर दो। जड़े ही मैं सोचू यार अकाल सोड़ा पर करी तो भी ऐसे सब्सक्राइबर मिले मुझे जो मुझे पहचान गए। तो सपना के व्लॉग तो अब फिनिश हो गए, अब सपना के व्लॉग आपको नहीं मिलेंगे। अब फटाफट से मुझे घर पे पहुंचना है, ऋषभ के पापा का कॉल आया कि जो मेरी देवरानी है वो बीमार हो गए, उनको पूछने के लिए भी जाना है। हेलो खमंगड़ी सा, गुड मॉर्निंग। तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। जस्ट अभी मैं पहुंची हूँ सपना के घर से, मामा वाले घर पे, क्योंकि बच्चे और ऋषभ के पापा इसी वाले घर पे हैं। तो चलो चलते हैं ऊपर, बैग वगैरह सब मेरे हाथ में ही है। मैंने बोला था ऋषभ के पापा को कि उस वाले घर पे आ जाओ, बट उन्होंने बोला नहीं इस वाले घर पे आओ आप, क्योंकि बच्चों को भी लेके जाना है मुझे। ठीक है, और देखते हैं घर की हालत कैसी मिलती है। हेलो हाय गाइस। मम्मी के कमेंट पढ़ना होने आज, मम्मी ने बता दिया मम्मी ने अच्छा अच्छा कमेंट चाहिए। अभी बताऊंगा भाई साहब और मैं दोनों बताऊंगा कि के क्या है। मेरे गाइस अच्छे के लिए बोलते हैं, कोई मामा को बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई मम्मी बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी को क्या कमेंट पढ़ने आते नहीं है, मम्मी ऐसे बोलती रहती है, सबको बोलती रहती है। जैसे मैं बैठती हूँ तो मेरे पास मम्मी मुझे बोलती रहती है कि कमेंट पढ़ के बताओ, ऐसे बोलती रहती है कि कमेंट पढ़ाओ। एक है ना चाहे वैसे ये लाउड अगर आपको सुनाई दे रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मेरा बेटा तो दिन से ब्लॉग नहीं बना पाया, उसकी वजह है मेरी बहू, वो थोड़ा साथ देती हमारे, इसलिए हमने नहीं बना पाई माँ बेटे। मम्मी ने मम्मी क्या बोल रही है, भाभी से मम्मी क्या बोल रहे, देखा आपने कि हम मतलब सूर्य भैया की साइड ले रहे हैं कि वो व्लॉग क्यों नहीं बना पाया, उसका रीजन उसका एक्सप्लेनेशन मम्मा दे रहे हैं। मैं बोल के गई थी कि आप दोनों नहीं ले आ, कांटा लगा के गई थी, कांटा लगा के गई थी, मतलब ऐसे कांटा लगा के गई थी, दोनों माँ बेटे नहीं बना सके, नहीं बना सके। हमने ऐसे बोला बनाएंगे तो मेरा बेटा फिर हमारे पास ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ पर रहा। नहीं भाई साहब ने पता है क्या बोला, मैंने नींद निकाली। हाँ भाई साहब क्या बोल रहे पता है, मम्मी मैं नींद निकाल रहा हूँ। मैंने कहा सूर्य भैया जल्दी आ जाना, मेरी हेल्प करा देना है ना ऋषि किशु के लिए। क्या बोल रहे हैं, कुछ ठीक है चाहे मैं नींद निकाल के आयो। तो भाभी साहब इसका मतलब ये आप सोने नहीं देते? बोली एक कमरे में आप इतना जना रहता तो अकेले सोकर जी, आप इतना काम करवाते हो क्या? कुछ नहीं करवाती मैं, कई कर काम करता, क्यों करता? तो फिर ऐसे क्यों बोलते हैं मैं सो रहा हूँ बस मैं सोऊंगा, जल्दी उठने से। तो चलो चलते हैं उस वाले घर पे, और उस वाले घर की हालत भी मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ ऋषभ के पापा को मैंने सामान वगैरह दिया, तो मम्मी हंस रही है कि देख बीनी को है ना पूरा सामान ले चल रहे। और अर्जुन मना का कॉल आया कि सुबह आ जाना आप हॉस्पिटल। घर पे जाने से पहले मैंने ऋषभ के पापा को बोला कि आप सब्जी खरीद के दे दो, नहीं तो घर पे जाके आपको शाम का खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं दो दिन से घर पे नहीं थी तो सब्जी वगैरह भी नहीं होगी शायद फ्रिज में। और यहाँ पे मैं मोट की फली खा रही हूँ, मुझे मोट की फली बहुत अच्छी लगती है। हेलो गाइस हाउ आर यू। तो आज के व्लॉग की हम जो शुरुआत कर रहे हैं, अभी का टाइम हुआ है आपको देख सकते हो मेरे घर से अभी 8:30, और ऋषभ के मम्मी अभी आ चुके हैं हॉस्पिटल से, आपको दिखाते हैं किचन के अंदर चल रहा है इनका कुकिंग। अब मैं दो दिन जो सही में व्लॉग नहीं कर पाया, मैं लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं लगा रखा मैंने, मैं दो दिन जो सही में व्लॉग नहीं कर पाया। सुनो तो गाइस है ना, इतने सारे बर्तन हैं ये आप साफ कर दो यार प्लीज। नेवर यार प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, हाथ जोड़। तो अब ये जो है व्लॉग आप देखोगे कल के दिन, और आपने बहुत सारे जो है फैंस उन्होंने मैसेज किया है कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बेबी गर्ल, तो सभी को थैंक यू सो मच। तो इसके आगे आगे देखना अभी होता है क्या, अभी कोई प्लान ऐसा नहीं है, पूरे दिन से बिजी डे था, तो हम लोग जो है अभी घर पहुंच के कपड़े इधर दिखाओ कि हालत कर रखी है घर की। ये क्या बिखेरा मचा रखा है इन्होंने, देख सकते इन्होंने मैंने मचा रखा ही। तो किसने मचा ये आपने मचा रखा है, बच्चों के साथ मचा रखा है आपने। No. तभी मत दिखाओ मुझे, मैं अच्छी नहीं लग रही गाइस। मैं आपको कल मिलूंगी। ओके फिर देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या करते हैं क्या होता है। तो अभी हम एक बार और टेस्टिंग कर रहे हैं कि इसका किस तरह से क्या रहता है। अभी जो है ये नॉर्मल हमने इसके सामने एक क्लिपिंग लगाई है, जिससे क्या इसका थोड़ा सा एक अलग सा एक लुक रहता है, और हम हमारा बेस्ट देने की ट्राई कर रहे हैं ब्लॉगिंग के अंदर, जिससे हम पता लग पाए कि कैसा क्या है, क्या ब्लॉगिंग करते हैं। दिस इज द मी गाइस। ओके बाय। क्या खा रहे हो? मैं खा रहा हूं। क्या खाओगी अश्विनी? मैं रेम्बो खाऊंगी। रेम्बो? रेम्बो कहाँ है? रेम्बो इसको क्या बोलते हैं? इसमें
चलो ठीक है, ये कौन सा कलर है? ये वाला कौन सा कलर है? ये ग्रीन कलर। और ये वाला? ग्रीन कलर। और ये वाला? ऑरेंज कलर। यस, तो यश्विनी जीत गई, क्लैपिंग। चलो आप क्या खा रहे हो? देखो आप लोग खाते आइसक्रीम, जो मुझे मतलब हेल्थ के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं लगती, तो अब आप सोच सकते हो मैं कोई हेल्थ कॉन्शियस आइटम खाऊंगा। देखती हूँ क्या लेके आयो, मुझे सब पता है। ये भी मीठा है यार। नहीं मीठा है लेकिन चीज बहुत शानदार। क्या है ये? क्या चीज? ये है रबड़ी। दिखने में गंदी लग रही है। नो अच्छी है। अच्छा ये आइसक्रीम वाली है? आइसक्रीम पार्टी हो रही है यार। आज मेरे साथ मॉर्निंग में इतना गंदा काम हो गया, आप देख सकते हो। जैसे ही बच्चे गए थे ना, मैंने सोचा कि ये ना दूध गर्म कर देती हूँ। मतलब वैसे मैंने गैस तो एकदम स्लो कर रखा था, बट मैंने सोचा कि थोड़ी सी देर मैं ना सोफे पे आराम कर लेती हूँ। फिर इतनी देर में मुझे नींद आ गई और अब जाके मैं उठी हूँ और देखा तो पूरा का पूरा दूध, वैसे दूध नहीं निकला, बस वो टोपिया में पता नहीं कैसा हो गया। ऐसे वाला की हालत देखो यार, टोपिया कैसे सही होगा यार। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने सोचा 5-10 मिनट के अंदर अंदर इसको कर दूंगी और फटाफट से मुझे है ना इसे साफ भी करना पड़ेगा, नहीं तो पापा को पता चल जाएगा, क्योंकि पापा आने वाले हैं यहाँ से सब्जी लेके जाएंगे। तो उस चक्कर में मैं फटाफट से टोपिया साफ कर लेती हूँ। बट पूरे घर में ऐसे खुशबू हो गई यार, वो कैसे क्लियर करूंगी मैं, ये समझ में नहीं आ रहा। और पापा बस 10 मिनट में पहुंचने वाले मेरे पास। तो आज हमारे ऋषभ के पापा क्लीन करेंगे इस। यार इतनी गंदी यार, मेरा झाड़ू पोछा मत खराब कर दीजिए, आज बेबी था नहीं करना है। शिट जड़ा ही मैं सोचू यार, अकाल सोड़ा पर करी तो भी ऐसी है ना, इतो ज्यादा ठंड गुन दे रही। ये साफ कहाँ करोगे यार, प्लीज है ना, इसमें मत करना, बालकनी में नहीं। फिल्टर है क्या ये? किशा को भी लेके आना, किशा भी आ गई ना। अरे मेरी लाया। क्या लाया? क्या लाया? नहीं लाया। किशु पत्थर नहीं लेके आते, गलत बात। ये क्या गिरा है? क्या किया ये? ये वैष्णव ने क्या? क्या किया था ये बताओ, क्या गिराया था? तो क्या किया? कितने साफ करके लाए? वैष्णव ने क्या? आप से बार फेस देख सकते हो, किशु का फेस चेक कर सकते हो इसमें से। ये देख लो पहले और अब ठंडी हवा आएगी। हेलो गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे की हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है और काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप घर पे नहीं जा रहे क्या बच्चों के लिए, मतलब सपना के यहाँ से। तो सपना के वहाँ पे मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकी थी, बस 2 ही दिन रुकी थी, बट है ना हमारे व्लॉग है ना 4 निकल गए थे, तो आपको शायद ऐसे लगा होगा कि मैं 4 दिन रुकी हूँ, बट रुकी मैं 2 ही दिन थी। मुझे यहाँ पे घर पे आए हुए, जैसे कि आप सबने देखा ही है, 3 दिन हो गया, 3rd डे है। हमारे ज्योति भाई साहब गुड मॉर्निंग, और वहाँ पे मम्मा को अभी हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का, और जब गाड़ी आ जाएगी फिर उसके बाद में जाएंगे हम। पहले मेरी देवरानी है जो दुर्लभ जी हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ था? उनको पहले वीकनेस आ गई थी थोड़ी, तो उसमें से भर्ती करवाया है। भर्ती करवाया है, अभी बोला है कि थोड़े आजकल, तो भाई हमारे सारे घर में भर्ती होने वाला काम, तो मतलब एडमिट होना तो एक ऐसे हो गया, मुझे 2 महीने हो गए कंटिन्यू देखते हुए। पहले मेरा हो गया, फिर मम्मा का हो गया, फिर मम्मा के बाद में बच्चे भी भाई एडमिट नहीं हुए बट बीमार तो हुए थे, फिर उसके बाद में हमारे सपना का हो गया। सपना से आए हुए मुझे 3 दिन हो गए। आप लोग मुझे कमेंट करते रहते हो कि आप ना पहुंच जाओ घर पे, पहुंच जाओ, हाँ व्लॉग लेट डलता है, तो उस चक्कर में। तो अब पहले हम जाएंगे नीचा के पास, और फिर उसके बाद में ज्योति भाई साहब को 2-3 काम भी है, वो भी करके आएंगे। आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना, वो विपरीत है, अपन इधर की साइड जा रहे हैं ना, वैशाली साइड, तो फिर अपन नजरिया वगैरह तो लाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ, नजरिया लेके आएंगे अपन, वो नजरिया वाला काम कर लेंगे। मतलब 4-5 काम है, ये सारे काम आज ही ज्योति भाई साहब का सलटा रहूंगी मैं, 100 बात की 1 बात सगड़ा काम सलटा दूंगी। हमारे हरपाल भैया ऐसे बोल रहे तेल कमी है, खटिया अटक जाओगा, अटक ही जाओगे क्या? अच्छा हरनाथ आ गए भैया, आ गए क्या? हे भगवान मैं इतनी कंफ्यूज होती हूँ, दोनों में सेम शकल है इनकी, तो आपसे मैं हरनाथ भैया बोलने लग जाऊँ क्या? ठीक है सर, तो चलो चलते हैं। तेल बता रहे हैं कम है, तो तेल भी डलवाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद में चलेंगे।
मत कहा इरादा कर ले अरे इन तो नावड़ू ही कोनी मैं तो गाड़ी में ही नावड़ू कोनी रे हाय राम चलो अब चलाते हैं गाड़ी फिर मिलते हैं आपसे रानी रानी क्या कर रहे है चुटकुलू मुकलू से बन रहे है चुकलू मुकलू से बन रहे है मासूम चेहरा निगाहें फरेबी तो अभी ज्योति भाई से गए हैं कुछ काम था उनको वो लेने के लिए और हमारी रानी हमारे पास है ना रानी अह रानी ओल रानी रानी एक बात है एकदम परेशान नहीं करती किसी को खुजली बहुत आ रही यार फेस पे है रानी क्या कर लो आप कल क्या ले हो और इन मेरे पे है ना सूट वगैरह कैसे लगते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना इन दिनों में इन दिनों के जितने भी व्लॉग आए हैं 4-5 दिन के तो मैं मेरे जो मैंने सूट लिए थे वो उसी में आए हैं तो आज मैंने ये वाला वियर किया है जो 2-पीस है तो आप सबको कैसा लगा मेरे पे कैसे जाते हैं ये भी बताना मुझे कमेंट करके और आज कल मैं सॉरी आपके कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पा रही क्योंकि आप सब ने देखा भी है मैं काफ़ी सारी बिजी हूँ और फिर है ना एडिटिंग हो जाती है फिर बच्चे हो जाते हैं फिर घर का काम के पास से जब से मैं आई हूँ ना यार तब से है ना मैं काम ही काम किए जा रही हूँ घर की हालत बहुत ख़तरनाक मिली थी मुझे वैसे तो घर की हालत मुझे डीपली सफाई करनी थी काफ़ी दिन हो गए मुझे करे हुए कम से कम 2 महीने हो गए तो मैंने एकदम डीपली सफाई आज फाइनली मैंने फिनिश कर दी है जिसमें किचन भी आ गया मेरा और सब कुछ गया मेरा जो कि आपने व्लॉग में देखा भी था ऋषभ के पापा का कल का व्लॉग आया था 4 बजे वाला उसमें मैंने तो क्या उन्होंने मेरे को शूट कर लिया था उसमें बहुत गंदी लग रही थी यार सच में मैं उनको इतना बोल रही थी यार मेरा है ना ये मत डालो बट पता ही नहीं वो मानते ही नहीं है मेरी चीजें है ना मैं जब है ना गंदी लगती हूँ ना तब वो डेफिनेटली डालते हैं अगर मैं उनको ये बोल दूँ ना कि आप नहीं वो मुझे ये बोले ना कि मैं इसमें अच्छा नहीं लग रहा प्लीज़ ये वाली क्लिप है ना आप मत लो तो मैं नहीं लेती पर वो है ना मेरी कैसी भी हूँ मैं किसी भी हालत में हूँ मेरी डाल देते हैं तो प्लीज़ है ना उनके व्लॉग में मुझे इग्नोर करना क्योंकि मैं आपको ऐसे ही मिलने वाली हूँ मुझे पता ही नहीं चलता वो कब शूट कर लेते हैं ठीक है मैं रानी से थोड़ी बातें कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद में सीधा मिलेंगे आपको हॉस्पिटली तो फाइनली हम निकल चुके हैं सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया था हॉस्पिटल जाएंगे बस ज्योति भाई सा फ़ोन करके ऋषभ के पापा को पूछ रहे हैं कि रूम नंबर क्या है उनको तो शायद पता होगा क्योंकि अर्जुन मन्ना ने काफ़ी बार बात कर ली है ऋषभ के पापा से करो तो फोन है वो भाभी साखी किश रानी ने छुच्चू कर दिया और हंस भी रही है छुच्चू करके हेलो हाँ सूर्य भाई साहब अरे मैं कह रही हूँ चालांगे नीचा कन चाला मुको बठिने कठिन हो आप आज तो अगर सही में आज मनी अगर आज तो सूर्य तेरी कसम से आज तो सही में जो है छुट्टी दे रहे बाकी अच्छा छुट्टी दे रहेगी अरे तो मैं कह रही हूँ भाई साहब सुनो तो क्या नाम था तो ठीक है कि नहीं ठीक है ना आप तो सही आ रहे तो अभी हम पहुंच गए हाइपर और यहाँ से कीहू भाईसा के कपड़े वगैरह लेने वाले हम पहले ही हमारा वही काम था बट किसी रीज़न की वजह से वहाँ नहीं जा पाए जैसे कि आपने व्लॉग में देखा भी होगा ऋषभ के पापा को कॉल कर दिया था अर्जुन बनाने की छुट्टी देने वाले हैं तो देखते हैं क्यूट क्यूट से कपड़े मिल जाते हैं तो यहाँ पे नहीं तो वैशाली जाएंगे वैशाली जाने का बोल रहे हैं ज्योति भाई साहब मेरे पास आए और मेरे साथ फोटो क्लिक कराई थैंक यू भैया पताशी वाले कहाँ गए अभी हम खाने वाले हैं पताशी शॉपिंग हमारी कंप्लीट नहीं हुई हम सोच रहे हैं कि कहीं और जाएंगे यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ज्योति वैसा को ये हमारे आगे स्वीट कॉर्न ज्योति वैसा कहीं आ रखते ये हमारी दही पपड़ी भी आ गई सॉरी दही पताशी भी आ गई दही पपड़ी ये वाली है कंफ्यूज हो गए थे हमें ये वाली चाहिए थी ओके ले रहा है पिज्जा ये और दही बड़ो आप भी है क्या और तो खाओ को कौन अपन दोनों खाएंगे आज यहीं से पेट भर के चलेंगे यार इतना गंदा कैसे लग पहुंच गए हमने मम्मी को ना उल्लू बनाया है मम्मी को मैंने ऐसा बोला है कि हम लोग अभी 1 घंटा और लगाएंगे ये देखो इतना सामान ले रहे हैं चलो चलो रानी
कल ले जाना। अच्छा ठीक है, कल ले जाऊंगी। 5 रुपए कम है। अभी मैंने लिए हैं टमाटर। इच्छा हो रही है, बस भैया थोड़ा सा बिजी है। अच्छा आई गए क्या? इस खाना मैं कैंसिल करने वाली हूँ, ओनली ये बड़ा वाला गिलास पीने वाली हूँ। अब भैया के भैया को भी ब्लॉग में ले लेती हूँ। ये देखो कितना बड़ा गिलास है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे भूख लगेगी इसको पीने के बाद में, है ना? आप सुबह कितने बजे लगाते हो? सुबह 5 बजे। ठीक है, तो मैं रोज ये गिलास पीने आने वाली हूँ। अब थोड़ा डाइटिंग पे चलूंगी मैं। आप अच्छा सा बनाना, चटपटा भी डालना उस पर। बस मैं वेट कर रही हूँ मेरे जूस का। फटाफट से भैया जूस दे दे, फिर घर पे जाने के बाद में मुझे खाना भी बनाना है। भैया हो गया क्या? और ये क्या टिफिन रेडी है क्या आपके पास? रेडी है। हैं? हाँ। तो आज एक काम करती हूँ, टिफिन ही ले जाती हूँ आपसे। है ना? तो ऋषभ के पापा के लिए ही तो बनाना है। वैसे टिफिन में आज क्या सब्जी वगैरह क्या है? मेन्यू बताओगे आप? अंदर क्या है? दाल है, चावल है और आलू की सब्जी। हाँ, और एक आलू मेथी। आलू मेथी? अरे यार मेरे हस्बैंड आलू नहीं खाते। खिला देंगे, जबरदस्ती खिला देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, खिला देंगे। वो तो फिर खिलाना ही पड़ेगा। तो भैया बस जूस दे दे, फिर मैं एक टिफिन ही ले जाऊंगी। आज मैं कुछ नहीं बनाने वाली घर पे जाने के बाद में। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा काम किया गाइज, आपने देखा ही है ना ब्लॉग में। ओहो भर के दिया भैया ने तो। खट्टा तो है। हाँ, तो ऋषभ के पापा को भी यहीं बुला लेती हूँ मैं, अगर वो भी इंटरेस्टेड है तो वो भी पी जाएंगे। पत्नी का प्यार देखो कितना है, हैं? मतलब आपने अपने अपने लिए क्यों नहीं बनाया? क्यों आपको ही पिलाते हैं हमेशा? किस रीजन बताओ? आपसे क्या ज्यादा ही प्यार करते हैं ये तो, है ना? मेरे हस्बैंड तो नहीं करते ही थे ना। ये जब दुकान पर आते हैं तो एक गिलास देना जरूरी होता है। अच्छा अच्छा, मतलब आप ये आपकी हेल्प कर रहे हैं तो इसलिए दे रहे हो क्या आप? नहीं, हेल्प की बात नहीं है, ये तो डेली पिलाना पड़ता है। अच्छा डेली पिलाना पड़ता है। देखो यार कितने केयरिंग हस्बैंड है मेरे। एक तो मेरे वाले हस्बैंड है जो बिल्कुल भी केयर नहीं करते मेरी, मुझे अपने आप ही केयर करनी पड़ती है। ड्रेस वगैरह मैंने चेंज कर लिए, खाना ऋषभ के पापा ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, किशा ने भी खा लिया। ऋषभ उस वाले घर पे ही सोएगा आज, क्योंकि कल का आप सबको पता ही संडे है। तो ये व्लॉग मैं आज अपलोड करूंगी, तो 10:30 मेरी बज चुकी है। मैंने सोचा व्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ, नहीं तो आज का व्लॉग अपलोड नहीं हो पाएगा। तो फटाफट से मैं एडिटिंग करूंगी और उससे पहले मैं व्लॉग की एंडिंग भी कर देती हूँ। एंडिंग होगी तभी अपलोड होगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट, और थैंक यू सो मच यार मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए। आप कितने आपने कितना मुझे प्यार दिया है इन दिनों, कितने सारे मेरे न्यू फैमिली मेंबर जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगी, ठीक है, बाय, गुड नाइट। और हाँ, कल के व्लॉग में जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है ना, उनको पता नहीं होगा कि भाई रिशु कौन है, कीशा कौन है, और ऋषभ के पापा कौन है, मेरी सासू माँ कौन है, और दो दो घर कैसे हैं। ये सारी चीजें मैं कल के व्लॉग में क्लियर करूंगी आप सबके लिए। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है उनके लिए बोल रही हूँ मैं, जो पुराने हैं उनको तो सबको पता ही है भाई मेरी सासू माँ कैसे है, क्या है, क्या किस चीज का उनका ऑपरेशन हुआ है। काफी सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि ऋषु कौन है, कीशा कौन है, और जो आपके सासू माँ है वो उस वाले घर में क्यों रहते हैं, आपके क्या दो घर है क्या। ये सारी चीजें आपको मैं कल के व्लॉग में क्लियर करूंगी, ठीक है, बाय, गुड नाइट। हाँ अभी अश्विनी आप भी कर दो, बाय कर दो सबको, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। तो आप इश्क चेचना।